ग्रीटिंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल इन 11th क्लास अकाउंटेंसी। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द टॉपिक बैलेंसिंग द अकाउंट्स। बैलेंसिंग द अकाउंट मींस अकाउंट को बैलेंस करना। कैसे करेंगे हम अकाउंट को बैलेंस? लेजर के अंदर जब अकाउंट बनाएंगे ईयर एंड पीरियड के अंदर, हम फिर उन अकाउंट को बैलेंस करते हैं। मेन पर्पज होता है कि असर्टेनिंग द नेट पोजिशन ऑफ ईच अमाउंट, राइट। द अकाउंट्स इन द लेजर आर पीरियोडिकली बैलेंस्ड, जनरली एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। कि जो अकाउंट लेजर में बनते हैं उनका जनरली जो एंड में जो है बैलेंस किया जाता है, राइट। और मेन ऑब्जेक्टिव रहता है टू असर्टेन द नेट पोजिशन ऑफ ईच अकाउंट, राइट। बैलेंसिंग ऑफ एन अकाउंट मीन्स दैट द टू साइड्स आर टोटल एंड द डिफरेंस बिटवीन देम शोन ऑन द साइड विच इज शॉर्टर। बैलेंसिंग करने का मेथड क्या है? दोनों साइड का टोटल किया जाएगा, डेबिट साइड का भी और क्रेडिट साइड का भी। जिस साइड का टोटल जो है कम है, दोनों साइड का डिफरेंस कर लिया, और जिस साइड का टोटल कम है उस साइड पर उस डिफरेंस को बाय बैलेंस सीडी करके नोट करते हैं, और नोट करने के बाद अमाउंट जो है दोनों साइड की सेम हो जाती है, राइट। द वर्ड बाय बैलेंस सीडी या टू बैलेंस सीडी राइट किया जाएगा। आर रिटर्न अगेंस्ट द अमाउंट ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द टू साइड्स। दोनों साइड में से जो भी साइड कम होती है उसको फिल करके दोनों साइड का टोटल कर दिया जाएगा और टू बैलेंस सीडी या बाय बैलेंस सीडी आएगा, राइट। द अमाउंट ऑफ बैलेंस इज ब्रॉट डाउन इन द नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड। और यही बैलेंस जो है नेक्स्ट ब्रॉट डाउन किया जाता है, जो कि नेक्स्ट ईयर के लिए ओपनिंग बैलेंस बन जाते हैं, राइट। टिल फाइनली सेटल और क्लोज, कि जब तक हम फाइनल जो है इन अकाउंट्स की क्लोजिंग करते हैं तो क्लोजिंग बैलेंस को हम जो है ब्रॉट डाउन करके नेक्स्ट जो हम पीरियड के लिए हम नोट कर देते हैं। और इस टाइप से जो प्रोसेस चलती रहती है जब तक कि फाइनली जो सेटल या क्लोज ना हो जाए बिजनेस, राइट। कि क्लोजिंग बैलेंस नेक्स्ट ओपनिंग बैलेंस बनते रहते हैं। इन केस द डेबिट साइड एक्सीड्स द क्रेडिट साइड, द डिफरेंस रिटर्न इन द क्रेडिट साइड। कि जब डेबिट साइड का टोटल क्रेडिट साइड से ज़्यादा होगा तो डिफरेंस को कहाँ नोट करोगे? क्रेडिट साइड पर, राइट। इफ क्रेडिट साइड एक्सीड द डेबिट साइड, द डिफरेंस बिटवीन द टू अपीयर ऑन द डेबिट साइड, राइट। एंड इट इज कॉल्ड डेबिट और क्रेडिट बैलेंस। जिस भी साइड का बैलेंस ज़्यादा होगा उस बैलेंस को उसी के नाम से बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ डेबिट साइड मोर देन द क्रेडिट साइड तो बैलेंस को बोलेंगे हम जो है डेबिट बैलेंस। अगर क्रेडिट साइड मोर देन है डेबिट साइड से तो उसका जो बैलेंस होगा वो क्रेडिट होगा, राइट स्टूडेंट। तो इस टाइप से जो बैलेंस जो बोले जाते हैं बैलेंस जो रिटर्न में होते हैं, राइट। और उसके बाद जो है हम इनको बैलेंस करके जो है बैलेंस सीडी कर देते हैं। द अकाउंट ऑफ एक्सपेंसेज लॉसेज एंड गेंस रिवेन्यू आर नॉट बैलेंस्ड। कि नॉमिनल अकाउंट को कभी भी बैलेंस नहीं किया जाता, राइट। ओनली जो है अकाउंट पर्सनल अकाउंट के अंदर जो भी हम अकाउंट बनाते हैं पर्सनल नेचर के, मींस कैपिटल अकाउंट, ड्रॉइंग अकाउंट, राइट, इंडिविजुअल नेम अकाउंट, फर्म अकाउंट, इनको बैलेंस करेंगे। एसेट्स के अकाउंट को बैलेंस करेंगे, कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट को बैलेंस करेंगे। बट नॉमिनल अकाउंट के अंदर जो एक्सपेंसेज और गेंस या रिवेन्यू के अकाउंट होते हैं वो बैलेंस नहीं किए जाने, उनको क्लोज, उनको हम क्या करेंगे, ओनली उनका जो टोटल बैलेंस और जो डिफरेंस बैलेंस होगा वो डायरेक्टली ट्रांसफ़र किया जाता है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, राइट। उनको बैलेंस नहीं करते। तो ये जो एक इलाज समय गिवन है यहाँ पर, इसको पहले लेजर में पोस्टिंग करनी है, लेजर में पोस्टिंग करने के बाद उनको बैलेंस करना है, राइट। तो यहाँ पर जो ट्रांजेक्शन वन बाय वन फर्स्ट हम जो इनको डिस्कस करेंगे कि कौन सी बुक में जाएंगी ये ट्रांजेक्शन, उसके बाद इनकी पोस्टिंग करेंगे, राइट। तो स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट ट्रांजेक्शन जो कमेंस विद बिजनेस विद कैश। कि फर्स्टली जो हम डिस्कस करेंगे कि कौन सी ट्रांजेक्शन कौन से अकाउंट में जाएंगे, और उसके बाद जो हम इनको उन्हीं सब्सिडरी बुक में नोट करेंगे, और लास्ट में जो है हम इनको फिर बैलेंस भी करेंगे, राइट। तो फर्स्ट है कमेंस बिजनेस विद कैश। कमेंस बिजनेस विद कैश
तो एक तो आपकी जो कैश बुक के अंदर जाएगी ये, राइट। यहाँ पर जो कैश बुक के अंदर जो इस ट्रांजेक्शन को नोट करेंगे, राइट स्टूडेंट, कि हमारे पास जो है जो सबसे लास्ट में देखो बुक्स कौन कौन सी मेंटेन करनी है। यहाँ पर जो लास्ट में गिवन होगा कि इस क्वेश्चन में जो आपको ये बुक मेंटेन करनी है, राइट। यहाँ पर जो है कुछ भी डिस्क्रिप्शन नहीं है, तो सारी बुक्स जो मेंटेन कर सकते हो जो भी ट्रांजेक्शन के अकॉर्डिंग है, राइट। अपर पार्ट में भी कुछ नहीं गिवन है, तो आपको बुक्स मेंटेन करनी होगी अकॉर्डिंग टू जो भी। तो कैश लगाकर बिजनेस को जो स्टार्ट किया, तो इसको आप कैश बुक में नोट करोगे, राइट। ये जो है कैश में जाएगी और कैपिटल अकाउंट में नोट होगा, राइट। कैपिटल अकाउंट जो कि लेजर में बनेगा, राइट। नाउ कम टू द नेक्स्ट, डिपॉजिट इन टू बैंक। इसकी भी ट्रांजेक्शन आप कैश बुक में ही करोगे कॉन्ट्रा एंट्री की फॉर्म में, राइट। नाउ परचेज फॉर कैश फर्नीचर, तो फर्नीचर परचेज किया कैश में, इसकी भी आप यही जो है कैश बुक के अंदर जो 6000 की परचेजिंग है कैश बुक में नोट करोगे। नाउ नेक्स्ट, अप्रैल जो 3rd, पेड चेक टू मैसेज मलिका ब्रदर फॉर परचेज ऑफ इलेक्ट्रिक वायर एंड प्लग्स 17000। जो इलेक्ट्रिक वायर परचेज की है और जो प्लग परचेज की है उसके बदले में चेक पेमेंट की है, तो ये पेमेंट जो हुई है दोनों चीज़ों की, एक 17000, दोनों ही 17000 की है, ये भी कैश बुक में नोट करोगे, राइट स्टूडेंट। नाउ कम टू द नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, बोट ऑफ मैसेज जो होंडा कंपनी वाइड इनवॉइसेस 544। क्या क्या परचेज किया है कि 28 इमर्सन हीटर परचेज किए और ट्यूबलाइट परचेज की, और ये जो ट्रांजेक्शन है जो इनवॉइस बना हुआ है, इट मीन्स क्रेडिट है, जो क्रेडिट परचेज बुक में नोट करेंगे, मीन्स क्रेडिट ट्रांजेक्शन को परचेज बुक में नोट करेंगे, राइट स्टूडेंट, कि परचेज बुक के अंदर इन ट्रांजेक्शन को नोट कर देंगे। नाउ परचेज स्टेशनरी फॉर कैश, जो कि अप्रैल 4 का जो ट्रांजेक्शन है इसको आप कैश बुक में नोट करोगे, राइट, पेमेंट साइड में। नाउ 5th अप्रैल का ट्रांजेक्शन, लोन फ्रॉम मैसेज दयाल एट द रेट ऑफ 6% 25000 एंड डिपॉजिट मनी इन द बैंक ऑन द नेक्स्ट डे। ये जो आपने लोन लिया, तो लोन लेने की जो है आपकी जो ट्रांजेक्शन है ये कैश बुक में नोट होगी। लोन लिया 25000 का, तो पहले जो है आपकी जो ट्रांजेक्शन, जो लोन आपने 6 डेट को लिया और फिर जो है आप इसको नेक्स्ट डे मीन्स 5 डेट को लोन लिया और 6 डेट को इसकी डिपॉजिट की एंट्री करोगे बैंक में, कॉन्ट्रा नहीं करोगे, राइट। क्या करोगे यहाँ, कॉन्ट्रा होगी, क्योंकि एक बार ये मनी आपके जो कैश बैलेंस में इंक्लूड हो चुकी है, तो लोन आपके पास आ चुका है, क्योंकि अगर ये उसी दिन होता तो नहीं होता, सीधा बैंक में चला जाता। अब क्या है, नेक्स्ट डे है, तो नेक्स्ट डे को मनी आपके पास है, बैंक में डिपॉजिट करवा रहे हो, दोनों ट्रांजेक्शन इफेक्ट हो रहे हैं, तो 6 डेट पर कॉन्ट्रा एंट्री करोगे, राइट स्टूडेंट। नाउ कम टू द ट्रांजेक्शन नंबर 5th अप्रैल, पेड कार्टेज एंड अदर चार्जेस 80 रुपीज और 20 रुपीज अदर, दोनों को ही आप जो है पेड कार्टेज और पेड जो है आपके अदर चार्जेस, अगर पेटी कैश बुक बनानी होती तो उसमें राइट करते, अब इस क्वेश्चन में पेटी कैश बुक नहीं है, राइट, तो मिसकेलेनियस एक्सपेंसेस में इसी को नोट कर दोगे, टोटल 100 रुपीज, राइट, पेमेंट साइड पर। अगर पेटी कैश होता है तो पेटी कैश बुक में बनाते, लेकिन यहाँ पर पेटी कैश नहीं बनानी, तो आप इसको मिसकेलेनियस जो एक्सपेंसेस के अंदर नोट कर सकते हो, राइट। नाउ कम टू द नेक्स्ट, बोट ऑफ मैसेज ऑफ बुरारी लिमिटेड ऑन अकाउंट वाइड इनवॉइस 50 टेबल लैम्प 80 रुपीज, राइट, ये परचेजेस की गई हैं, और 20 इलेक्ट्रिक कैटल्स 125, राइट, और जो है किससे परचेज किए गए हैं, बुनारी जो है बुरारी से परचेज की गई हैं, तो ये आप जो है परचेज बुक में नोट करोगे, राइट, और परचेज बुक में नोट करते जाना, लेकिन इसको क्या है टोटल करके, और ट्रेड डिस्काउंट भी उसमें से लेस करनी है, तो जो भी बिल बनेगा वो परचेज बुक में नोट करेंगे, नेक्स्ट सेल्स बुक में नोट करेंगे, क्योंकि सेल्स का ट्रांजेक्शन है क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स का, तो हम मनी के अकॉर्डिंग उसको जो है मल्टीप्लाई करके, अगर ट्रेड डिस्काउंट जैसे परचेज वाले में तो ट्रेड डिस्काउंट है बट सेल्स वाले में नहीं है,
तो परचेज वाले में से डिस्काउंट माइनस कर दिया बट सेल्स में नहीं करनी, राइट। सेल्स टू जो है मिस्टर जो कपाड़िया ऑन क्रेडिट, इसको भी सेल्स बुक में नोट करेंगे, राइट। तो सेल्स बुक के ये दो ट्रांजेक्शन हो गए अब तक, राइट। नाउ कम टू द नेक्स्ट, रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड जो 10 डेट की ट्रांजेक्शन है ये सेल्स रिटर्न है, राइट स्टूडेंट। नाउ 11 अप्रैल, पेड रेंट बाय चेक, चेक की पेमेंट हुई है रेंट, चेक से पेमेंट हुई है रेंट की, कैश बुक में नोट करेंगे। नाउ नेक्स्ट परचेज फ्रॉम जो है मैसेज जो है रुंगता फ्रॉम कैश, तो ये परचेजेस बुक में नोट होगा। रिटर्न गुड्स टू, तो ये आपकी परचेज रिटर्न की ट्रांजेक्शन है। एंड अप्रैल 15 परचेज ऑन अकाउंट फर्नीचर फ्रॉम क्वालिटी फर्नीचर, ये भी परचेज बुक का आपका ट्रांजेक्शन है। पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट, तो कैश बुक में नोट करेंगे। सेल्स टू, ये सेल्स का ट्रांजेक्शन है, परचेज फ्रॉम परचेज बुक का। नेक्स्ट जो है सेल्स टू, तो फिर सेल्स बुक का। रिसीव चेक फॉर फुल सेटलमेंट एंड फाइनल सेटलमेंट ऑफ क्लेम, चेक डिपॉजिट इनटू बैंक आफ्टर 2 डेज। तो अप्रैल जो 21 की एंट्री है इसको आप चेक इन एंड में करना, जनरल प्रॉपर में, राइट। और फिर डिपॉजिट की एंट्री जो सीधा आफ्टर 2 डेज मीन्स 23 अप्रैल को जो है टू चेक इन एंड सीधा कैश बुक में हम इसे नोट डाउन करेंगे। परचेज बुक की नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है क्रेडिट परचेज, जो इलेक्ट्रिक कैटल्स परचेज किए हैं और 20 इलेक्ट्रिक लैंप परचेज किए हैं। 23 अप्रैल की ट्रांजेक्शन जो है वो सेल्स की है, 2 इलेक्ट्रिक मिक्सचर जो परचेज किए हैं। नाउ नेक्स्ट कैश सेल्स है, इसे कैश बुक में नोट करेंगे बट डिस्काउंट की एंट्री जनरल प्रॉपर में करना, राइट। ओनली जो है 14,500 जो है रुपीज ये कैश बुक में नोट करेंगे, राइट। क्योंकि जो कैश सेल्स की तो मनी रिसीव होगी, तो आपने जो 2 सेल्स कर देना है लेकिन कैश कॉलम में जो 14,500 नोट करोगे डिस्काउंट की एंट्री जनरल प्रॉपर में करोगे, राइट स्टूडेंट। कैश परचेजेस, तो ये कैश बुक में नोट होगी। पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है कैश बुक में। मेड फुल एंड फाइनल पेमेंट टू मैसेज बुरारी लिमिटेड, चेक डिस्काउंट अलाउ, डिस्काउंट वाली एंट्री नहीं करेंगे। बाकी जो पेमेंट करने की एंट्री है जो बुरारी को, तो ये जो एंट्री आप कैश बुक में करोगे, राइट। ये कि जो इसका बैलेंस बनेगा उसी को नोट करेंगे अप्रैल जो है 25 की, और चेक से पेमेंट है इसलिए बैंक कॉलम में करेंगे, राइट। 7,728 रुपीज की एंट्री होगी ये। परचेज स्टेशनरी जो है ऑन अकाउंट फ्रॉम मैसेज मोहित मार्क, स्टेशनरी परचेज की गई है, तो आप जो स्टेशनरी परचेज की एंट्री जो कि डेट है 26 की जो एंट्री है स्टेशनरी परचेज करने की, ये क्रेडिट पर है क्योंकि यहाँ पर नाम गिवन है, राइट। तो नेम गिवन है लेकिन यहाँ पर जो है एंट्री जो है गुड्स की है तो परचेज बुक में, राइट। लेकिन गुड्स की नहीं है तो जनरल प्रॉपर में, ये जनरल प्रॉपर में जाएगी क्योंकि ये गुड्स से रिलेटेड नहीं है, गुड्स यहाँ पर इलेक्ट्रिक आइटम है। तो स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू जो है मोहित मार्क्ट अकाउंट 3,200 से जनरल प्रॉपर में ही एंट्री नोट डाउन करनी है, और डिस्काउंट एलो और डिस्काउंट रिसीप्ट की भी एंट्री जनरल प्रॉपर में करनी है, राइट। नाउ सेल्स ट्रांजेक्शन है नेक्स्ट, क्रेडिट सेल्स है तो सेल्स बुक में नोट करेंगे। डिपॉजिट इनटू बैंक, ये कॉन्ट्रा एंट्री है और कैश बुक में होगी। विदड्रॉन फॉर पर्सनल यूज मीन्स ड्रॉइंग्स है, कैश बुक में नोट करेंगे। पे टेलीफोन बिल बाय चेक जो है कैश बुक में, लेकिन पेमेंट जो है बैंक कॉलम से। पेड इंश्योरेंस बाय चेक, ये भी हमारी जो कैश बुक में बट पेमेंट जो है चेक से होगी। नेक्स्ट जो पेड टू मैसेज हैंडा कंपनी 2,450 बाय चेक, जो चेक से पेमेंट हुई है तो उसे बैंक कॉलम में राइट करना, कैश बुक में जाएगा ये ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट भी जो है इसमें भी जो है कोचर वाला जो ट्रांजेक्शन है वो भी कैश बुक में जाएगा बट डिस्काउंट वाला, क्योंकि ये डिस्काउंट रिसीव्ड की एंट्री है, क्योंकि पेड करने पर जो डिस्काउंट रिसीव्ड की एंट्री है तो
इसको भी हम जर्नल प्रॉपर में नोट करेंगे। डिस्काउंट की एंट्री सारी जर्नल प्रॉपर में जाएंगी, तो यहाँ पर जो एंट्री डिस्काउंट रिसीव्ड की है तो क्रेडिट होगी, तो एंट्री हो जाएगी कोचर अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। राइट स्टूडेंट, ये सभी जो ट्रांजेक्शन हमने डिस्कस की सबसे पहले कि कौन कौन सी स्पेशल बुक में जाएंगी, और फिर जो रिमेनिंग जो ट्रांजेक्शन है जो किसी भी स्पेशल बुक में नहीं आती तो उसको हम नोट करेंगे जर्नल प्रॉपर में। राइट स्टूडेंट, द फर्स्ट परचेज बुक, जो परचेज बुक के ट्रांजेक्शन थे वो हम यहाँ नोट कर रहे हैं। जिन जिन से भी आपने जिन जिन सप्लायर से गुड्स परचेज की, राइट, उनके नेम नोट है यहाँ पर, और जितनी जितनी अमाउंट की परचेजिंग हुई, मीन्स परचेज में से अगर डिस्काउंट है ट्रेड डिस्काउंट तो लेस करने के बाद, तो परचेज जो बुक का जो टोटल है वो 40,410 है। राइट स्टूडेंट, नाउ सेल्स बुक का ट्रांजेक्शन, ओनली जो फॉर्मेट में चेंज होगा तो वो यहाँ होगा नेम ऑफ द कस्टमर, वहाँ नेम ऑफ द सप्लायर था, यहाँ नेम ऑफ द कस्टमर, और यहाँ पर जो है अकाउंट टू बी डेबिटेड, वहाँ पर क्या था अकाउंट टू बी क्रेडिटेड। अब रमनीक जो कपाड़िया, जो दमन, रमनीक जो नूतन और जो है दमन, इन सब से सेल्स का जो ट्रांजेक्शन हुआ हुआ है, ये कस्टमर है और इनमें जो भी नेट अमाउंट की इनको गुड्स सेल की गई हैं तो वो आपने नोट डाउन करनी है। ये सारी क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स है, मीन्स इलेक्ट्रॉनिक आइटम थी तो वो यहाँ गुड्स है। राइट, नाउ कम्स टू द परचेज रिटर्न का, ओनली सिंगल ट्रांजेक्शन था जो बुरारी लिमिटेड जो है सप्लायर के साथ था, और उनकी जो अमाउंट बनती थी 632। नेक्स्ट परचेज रिटर्न बुक का ट्रांजेक्शन था, वो भी सिंगल था, रमनीक कस्टमर के साथ जो गुड्स वापस हुई थी, रमनीक कस्टमर के द्वारा गुड्स वापस हुई थी, और उनका अकाउंट जो है टू बी क्रेडिटेड वर्ड ऊपर नोट करना है नेम ऑफ द कस्टमर में, और 440 रुपीज की ये ट्रांजेक्शन थी। राइट स्टूडेंट, नाउ कम टू द नेक्स्ट जर्नल प्रॉपर। जर्नल प्रॉपर जो है बनाना है कि जो एंट्री या जो ट्रांजेक्शन कहीं भी किसी भी बुक में नोट नहीं हुई सब्सिडरी बुक में, तो उसे हम जर्नल प्रॉपर में नोट करेंगे। जैसे फर्नीचर परचेज किया गया था क्रेडिट पर, अगर फर्नीचर कैश में परचेज होता तो कैश बुक में आ जाता, राइट, बट यहाँ पर जो है गुड्स परचेज नहीं है, फर्नीचर परचेज है, मीन्स एसेट्स परचेज है, तो एसेट्स परचेज के लिए आपको एंट्री जो करनी पड़ेगी वो जर्नल प्रॉपर में करनी पड़ेगी। राइट, अकॉर्डिंग टू रियल जो है नेचर का अकाउंट एप्लीकेबल होगा कि जब भी फर्नीचर आपके बिजनेस में परचेज किया जाएगा तो फर्नीचर डेबिट होगा, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। राइट स्टूडेंट, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू क्वालिटी फर्नीचर अकाउंट, 8,000 रुपीज का फर्नीचर परचेज किससे परचेज किया गया, क्वालिटी फर्नीचर से, क्रेडिट पे परचेज है। राइट स्टूडेंट, नाउ नेक्स्ट एंट्री 25 अप्रैल जो कि बुरारी लिमिटेड की थी और वो डिस्काउंट रिसीव्ड की थी, तो एंट्री क्या बनेगी, डिस्काउंट रिसीव्ड हमेशा क्रेडिट होंगे। क्रेडिट कैसे, कि क्रेडिट इसलिए क्योंकि इनकम है, अकॉर्डिंग टू नॉमिनल नेचर, नॉमिनल जो रूल्स क्या है, डेबिट ऑल दी लॉसेज एंड एक्सपेंसेज, क्रेडिट ऑल दी इनकम एंड गेंस। राइट स्टूडेंट, तो डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट होगी और बुरारी लिमिटेड अकाउंट डेबिट कर दो, राइट, और नरेशन में डिस्काउंट रिसीव नोट कर दो। नाउ कम टू द ट्रांजेक्शन नंबर जो अप्रैल 26 स्टेशनरी परचेज की गई। अब स्टेशनरी किसी भी अकाउंट में नोट नहीं हो रही, स्टेशनरी अगर कैश में होती तो नोट हो जाती कैश बुक में, बट यहाँ पर स्टेशनरी क्रेडिट में परचेज है, तो स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू मोहित जो है मार्क अकाउंट, परचेज ऑफ स्टेशनरी आइटम ऑन क्रेडिट, और एक कोचर का था डिस्काउंट रिसीव थी तो कोचर अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड हो जाएगी। इस तरह जो है सबसे पहले हमने कैश बुक मेंटेन करनी है, राइट, जितने भी ट्रांजेक्शन मैंने आपको ऊपर डिस्कस किए हैं, जो जो ट्रांजेक्शन जिस अकॉर्डिंग बताया है इसे ही पोस्टिंग करनी है। फर्स्ट कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल है, राइट, नेक्स्ट है कॉन्ट्रा एंट्री है,
तो इस तरह से लास्ट में जो है टोटल करेंगे जनरल प्रॉपर का, और जनरल प्रॉपर करने के बाद जो है हम बुक जो मेंटेन करेंगे कैश बुक, राइट। कैश बुक जो मेंटेन करेंगे तो कैश बुक मेंटेन करने के लिए जो आपको मैंने ट्रांजेक्शन जो है फर्स्टली डिस्कस की है, तो डबल कॉलम कैश बुक ही बनेगी, सिंगल कॉलम नहीं बनानी। डबल कॉलम कैश बुक के अंदर जो है अमाउंट वाले कॉलम कैश का भी होगा और बैंक का भी होगा। गॉट दिस पॉइंट स्टूडेंट? जैसे फर्स्ट एंट्री थी स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो टू नोट कर दिया, टू कैपिटल अकाउंट 1 लाख रुपीज, राइट। नेक्स्ट कॉन्ट्रा एंट्री थी कि डिपॉजिट इन द बैंक, तो कॉन्ट्रा एंट्री की तरह ट्रीट करना है। लोन वाली एंट्री थी जो, तो पहले रिसिप्ट के लिए लोन 5 डेट को रिसिप्ट हुआ है तो 26% लोन, लेकिन उसे हम कैश बैलेंस में नोट करेंगे, राइट। और नेक्स्ट 6 डेट पर, 5th डेट पर तो है ओनली लोन जो है कैश कॉलम में नोट होगा, और 6th डेट पर जो है उसे बैंक कॉलम में नोट डाउन करेंगे। और ये जो 25,000 की एंट्री है 6th डेट पर, ये कॉन्ट्रा एंट्री होगी। कॉन्ट्रा एंट्री क्योंकि आपकी जो मनी जो है कैश को भी इफेक्ट कर रही है। ये जब बैंक में डिपॉजिट करवाया तो बैंक में डिपॉजिट हुआ तो कैश रिड्यूस हो रहा है, तो 5 डेट को कॉन्ट्रा नहीं करनी। ओनली जो नोट करोगे 6% लोन कैश कॉलम में नोट करोगे, 6 डेट पर कॉन्ट्रा की एंट्री करोगे, राइट। नाउ जो है सिंपल एंट्री थी, और उसके बाद जो एक कॉन्ट्रा थी 28 वाली डेट पर जो कॉन्ट्रा थी, और उसके बाद जो हमारी यहाँ पर एक कॉन्ट्रा जो 3,700 वाली थी, राइट, डिपॉजिट इनटू मनी जो है बैंक में, और 5,000 वाली बस, बाकी पेमेंट साइड पे नोट होंगी, रिसिप्ट साइड में होंगी। एक चेक वाली एंट्री जो कि आपको चेक रिसीव हुआ बट सेम डेट पे डिपॉजिट नहीं हुआ, तो उसको हम जनरल प्रॉपर में करेंगे, जो कि चेक इन एंड अकाउंट डेबिट टू जो भी हमें कस्टमर जो भी जिससे भी चेक रिसीव हुआ। इस तरह से हम लेजर के अंदर अकाउंट बनाएंगे। लेजर के अंदर बनेंगे सभी अकाउंट 1 बाय 1। फर्स्ट कैपिटल अकाउंट, तो कैपिटल अकाउंट के लिए जो फर्स्टली हमने एंट्री की थी कैश बुक के अंदर कि आपने टू कैपिटल नोट किया था, एंट्री थी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, तो यहाँ पर जो है बाय बैलेंस, बाय जो है कैश अकाउंट नोट करोगे, राइट, और यही बैलेंस सीडी बन जाएगा और इसके अलावा कोई कैपिटल की एंट्री नहीं है, राइट स्टूडेंट। नाउ नेक्स्ट जो है लेजर के अंदर अकाउंट है 6% लोन अकाउंट। लोन अकाउंट जो लोन रिसीव किया गया तो एंट्री थी कैश अकाउंट डेबिट टू 6% लोन अकाउंट, तो ये भी बाय कैश, क्योंकि इनके जो है क्रेडिट बैलेंस होते हैं कैपिटल अकाउंट का भी लोन का भी, और यही बैलेंस सीडी बन जाएगा क्योंकि यहाँ पर और कोई लोन का ट्रांजेक्शन नहीं है। गॉट दिस पॉइंट स्टूडेंट? नाउ कम टू द नेक्स्ट जो है रमनीक अकाउंट। रमनीक अकाउंट के अंदर जब आपने ट्रांजेक्शन करने हैं, राइट, सेल्स के भी ट्रांजेक्शन थे, सेल्स रिटर्न का भी था और फिर जो है कैश रिसिप्ट का भी था, तो वो आपने पोस्टिंग कर देनी है जैसे अपोजिट पोस्टिंग हम करते हैं, राइट। यहाँ पर कोई बैलेंस नहीं है क्योंकि सारी पेमेंट हो गई, तो बैलेंस नहीं होगा, कोई बैलेंस सीडी नहीं है। और नेक्स्ट सेल्स अकाउंट, सेल्स कुछ कैश में की गई और कुछ जो सेल्स बुक बनाई थी आपने जहाँ क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स थी वो नोट करेंगे, राइट। ये जो हमारी क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स है, राइट, और इनको जो हम नोट करेंगे इस तरह से बाय सन्ड्रीज एज पर दी सेल्स बुक, राइट। नाउ कम टू द नेक्स्ट फर्नीचर अकाउंट। फर्नीचर जो है परचेज किया था क्वालिटी फर्नीचर से, राइट, फर्नीचर परचेज की एंट्री थी क्वालिटी फर्नीचर से परचेज किया था, तो टू क्वालिटी फर्नीचर, उससे पहले फर्नीचर की पेमेंट की थी कैश पेमेंट, तो फर्नीचर टू कैश था तो टू कैश अकाउंट नोट करेंगे, तो दोनों एंट्री इधर आएंगी। पेमेंट के बारे में नहीं है कुछ कि और कुछ जो है इसमें कोई और डिस्क्रिप्शन नहीं है किसी भी एंट्री में, तो बैलेंस सीडी बना दें, राइट, डेबिट बैलेंस ही रहेगा क्योंकि एसेट है। नाउ लैंड अकाउंट, लैंड अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और यही बैलेंस सीडी रहेगा, राइट। जो लैंड की एंट्री थी यहाँ पर जो है लैंड परचेज की गई थी तो उसकी एंट्री थी वो नोट करेंगे, उसके बाद हम जो इसको बैलेंस को सीडी बना देंगे। परचेज फर्नीचर भी था, लैंड भी थी 42,000 की, तो एसेट परचेज की एंट्री थी जनरल से हम इसको लेके आए थे,
लैंड परचेज है तो इसको तो हमने कैश बुक में ही नोट कर दिया था राइट, कि अगर लैंड परचेज क्रेडिट पे होती तो हम जनरल प्रॉपर में लेके जाते राइट। लैंड परचेज कैश में थी तो कैश बुक में नोट की होगी। परचेज अकाउंट बनाएंगे, परचेज अकाउंट के अंदर जो आपकी जो है गुड्स वाली एंट्री तो कहाँ से आएंगी, टू सेंट्रीज एज पर परचेज बुक, और बाकी जो परचेज अकाउंट के ट्रांजेक्शन है जब परचेज की गई चेक से पेमेंट की राइट, तो वो एंट्री आपकी आ जाएंगे टू बैंक अकाउंट या टू कैश अकाउंट। फिर स्टेशनरी अकाउंट बनाएंगे, स्टेशनरी टू कैश एक एंट्री थी और एक स्टेशनरी आपने क्रेडिट में परचेज थी, ट्रांजेक्शन याद करो। तो स्टेशनरी जो है एक 4 अप्रैल को कैश में परचेज की गई थी और 26 अप्रैल को क्रेडिट पे थी, तो टू कैश अकाउंट और टू मोहित मार्क्ड अकाउंट। मिसकेलेनियस एक्सपेंसेज जो कि 80 रुपीज़ और 20 रुपीज़ का ट्रांजेक्शन था वो मिसकेलेनियस एक्सपेंसेज अकाउंट में डाल दिया कंबाइन करके। आप ऐसा कर सकते हो, बहुत स्मॉल नेचर की जब एक्सपेंसेज होते हैं तो उनका हमें कंबाइन अकाउंट बना देते हैं। नेक्स्ट रेंट अकाउंट, रेंट टू अकाउंट डेबिट टू बैंक क्योंकि चेक से पेमेंट है। नेक्स्ट एडवर्टाइजमेंट अकाउंट, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। एंड नेक्स्ट इलेक्ट्रिक जो चार्जेस अकाउंट, इन सब के जो भी एक्सपेंसेज है उनको आपने क्या है बैलेंस नहीं करना राइट, इनकम के अकाउंट को बैलेंस नहीं करना क्योंकि नॉमिनल अकाउंट को बैलेंस नहीं करते। ओनली आपने जो पोस्टिंग करनी है, पेमेंट हुई है तो टू कैश अकाउंट क्योंकि इनका जो है डेबिट नेचर होता है। ड्रॉइंग्स अकाउंट में भी टू कैश अकाउंट। टेलीफोन चार्जेस इनको भी बैलेंस नहीं करना, टू बैंक अकाउंट, इनको ओनली हम पोस्ट करेंगे। इंश्योरेंस अकाउंट टू बैंक अकाउंट क्योंकि ये सब एक्सपेंसेस है पोस्ट करने हैं, बैलेंस नहीं करना। नेक्स्ट क्वालिटी फर्नीचर अकाउंट, जिनसे एक फर्नीचर परचेज किया गया था तो बाय फर्नीचर अकाउंट, बट अभी पेमेंट नहीं हुई तो टू बैलेंस सीडी बना देना राइट, क्योंकि बैलेंस पेमेंट नहीं हुई तो सीडी बन जाएगा। मोहित मार्केट अकाउंट जिन जो स्टेशनरी परचेज की गई थी तो बाय स्टेशनरी अकाउंट क्योंकि क्रेडिटर के क्रेडिट बैलेंस होते हैं, और शॉर्टर वाली तरफ आपने राइट कर देना है टू बैलेंस सीडी राइट स्टूडेंट। नाउ कम टू द नेक्स्ट परचेज रिटर्न अकाउंट। परचेज रिटर्न बुक भी बनाई हुई है बट अकाउंट भी बनेगा। अकाउंट जब बनेगा तो परचेज रिटर्न का जो बैलेंस होता है वो क्रेडिट होता है, तो क्रेडिट साइड में बाय सन्ड्रीज एज पर परचेज रिटर्न बुक, बाय सन्ड्री एज पर परचेज रिटर्न बुक नोट करके अमाउंट नोट कर देंगे कंप्लीट। तो परचेज किस किस से जो रिटर्न, किस किस को रिटर्न की, ये नोट नहीं करना, बाय सन्ड्रीज एज पर परचेज बुक। नेक्स्ट जो अहमदा जो कंपनी अकाउंट जो परचेज किया गया था गुड्स और उनकी पेमेंट भी हो गई तो ये अकाउंट अपने आप बैलेंस हो गया, इसको बैलेंस सीडी की फॉर्म में नहीं राइट करना। बुरारी लिमिटेड परचेज किया गया था, डिस्काउंट भी रिटर्न भी थी गुड्स, टू टाइम परचेजेस थी इनसे, एक परचेजेस 6 अप्रैल को थी और एक परचेजेस 21 अप्रैल को थी, और जब रिटर्न हो गई तो उसे हमने डेबिट साइड में नोट कर दिया ताकि जो बैलेंस है वो डिडक्ट हो जाएगा राइट, क्योंकि परचेज जो है बुरारी लिमिटेड मीन सप्लायर है हमारे, तो सप्लायर का क्रेडिट बैलेंस होता है, तो जब भी गुड्स रिटर्न होंगी तो डेबिट कर दिया जाएगा। और पेमेंट भी हुई है और उसके बाद जो डिस्काउंट है वो भी यहाँ आप शो करोगे, इट मीन्स बैलेंस इनका जो है सेटअप हो गया है, इसको आप जो है नोट बैलेंस सीडी की फॉर्म में, कोई बैलेंस ही नहीं है उसको नोट नहीं करोगे। नाउ नेक्स्ट कोचर अकाउंट, बाय परचेजेस अकाउंट, पेमेंट भी हो गई है डिस्काउंट भी मिल गई राइट, तो इस टाइप से जो ये भी बैलेंस हो गया, इसका कोई बैलेंस रिमेन नहीं है इसलिए बैलेंस सीडी नहीं होगा राइट। नाउ नेक्स्ट सेल्स रिटर्न, ये सेल्स रिटर्न अकाउंट को भी आपने क्या सेल्स रिटर्न बुक बनाई हुई है, तो टू डेबिट बैलेंस होता है इसका, टू सेंट्रीज एज पर सेल्स जो है बुक, सेल्स रिटर्न बुक 440, ओनली एक ही ट्रांजेक्शन था। कपाड़िया अकाउंट, कपाड़िया अकाउंट को जो सेल्स आपका ट्रांजेक्शन था और ये बैलेंस सीधी रहेगा राइट, कोई पेमेंट नहीं आई। दमन अकाउंट की टू टाइम सेल्स थी, 1 अप्रैल 2018 को और 1 अप्रैल 2027 को, तो यहाँ पर भी पेमेंट नहीं हुई तो बैलेंस सीडी फॉर्म में राइट होगा राइट। नूतन अकाउंट
को भी सेल्स है, नूतन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट और बैलेंस सीडी। पेमेंट नहीं है यहाँ से भी तो आपने सीडी बैलेंस बना देना है। नाउ नेक्स्ट, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, इनके भी अकाउंट बनेंगे। डिस्काउंट रिसीव जो हुई थी बुरारी लिमिटेड से और कोचर, दोनों को आप नोट करोगे। दोनों को जो है आप इस टाइप से जो है क्रेडिट साइड में नोट करोगे, क्योंकि डिस्काउंट रिसीव्ड का क्रेडिट बैलेंस होता है। नाउ दिस इज दी ऑल दी लेजर अकाउंट, राइट, कि हमने जो ट्रांजेक्शन की थी सबसे पहले उनकी हमने स्पेशल जर्नल बुक बनाई थी, उसके बाद जो जर्नल एंट्री की जर्नल प्रॉपर के अंदर कि जो एंट्री किसी भी बुक में नहीं आई उसको हमने जर्नल प्रॉपर में राइट किया, राइट स्टूडेंट। और जर्नल प्रॉपर में राइट करने के बाद जो हमने लेजर के अंदर सभी के अकाउंट्स मेंटेन किए, चाहे वो कैश बुक में डायरेक्टली एंट्री थी, राइट, बट कैश अकाउंट मेंटेन नहीं करना। यस, नोट डाउन दिस पॉइंट, कैश अकाउंट आपने ओपन नहीं करना, कि जब कैश बुक बनती है तो कैश अकाउंट नहीं बनाया जाता। नोट डाउन दिस पॉइंट स्टूडेंट, कि कैश अकाउंट हम कब बनाएंगे, जब कैश बुक नहीं बनेगी। यहाँ पर जो है कैश बुक बना दी तो कैश अकाउंट नहीं बनाना। नाउ कम टू द टेस्ट यूअर अंडरस्टैंडिंग सेकेंड, जो टेस्ट यूअर अंडरस्टैंडिंग के ये कुछ क्वेश्चन हैं, जो कि फर्स्ट क्वेश्चन फिल इन द करेक्ट वर्ड, कि आपने जो अब पूरा चैप्टर कंप्लीट जो हमने डिस्कस किया है उसके बेस पर जो है इस टेस्ट अंडरस्टैंडिंग टेस्ट को हम करेंगे, ताकि जो है हमारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से हो जाएं। फर्स्ट, कैश बुक की जे डैश जर्नल, स्पेशल जर्नल, सब्सिडरी जर्नल भी नोट कर सकते हो, राइट स्टूडेंट। द फर्स्ट आंसर इज स्पेशल जर्नल या सब्सिडरी जर्नल। नाउ कम टू द सेकेंड, इन जर्नल प्रॉपर ओनली डैश डिस्काउंट इज रिकॉर्डेड। जर्नल प्रॉपर के अंदर कौन सी डिस्काउंट रिकॉर्ड की जाती है, कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट को नोट नहीं करते, राइट स्टूडेंट। नाउ कम टू द थर्ड क्वेश्चन, रिटर्न ऑफ गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट टू द सप्लायर विल बी एंटर इन जर्नल। रिटर्न ऑफ गुड्स परचेज, कि जो गुड्स आपने खरीदी और उन्हीं को आप रिटर्न कर रहे हो, तो ये कौन सी बुक में नोट होंगी, ये परचेज रिटर्न जर्नल में नोट होंगी, परचेज रिटर्न में। नाउ कम टू द फोर्थ, एसेट सोल्ड ऑन क्रेडिट आर एंटर इन। एसेट अगर कैश पे होती तो कैश बुक में नोट होती, बट एसेट्स यहाँ पर जो सेल हुई है क्रेडिट पे, तो इसको आप जर्नल प्रॉपर में नोट करोगे। गॉट दिस पॉइंट स्टूडेंट। नाउ कम टू द ई पॉइंट, डबल कॉलम कैश बुक रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू डैश एंड डैश। डबल जो कॉलम कैश बुक में, उसमें क्या था, आप कैश का भी कॉलम बनाते हो, बैंक का भी बनाते हो, तो उसमें कौन कौन से ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हो, कैश के भी और बैंक के भी। तो फर्स्ट ऑप्शन में जो कॉलम है यहाँ फिल करोगे आप कैश, और सेकंड जो फिल करोगे आप बैंक कॉलम, राइट स्टूडेंट। तो फर्स्ट कॉलम में कैश, सेकंड में बैंक, या बैंक और कैश भी कर सकते हो, राइट। कम टू द नेक्स्ट, एफ, टोटल ऑफ डेबिट साइड ऑफ कैश बुक डैश देन द क्रेडिट साइड। टोटल ऑफ डेबिट साइड ऑफ कैश बुक इज मोर देन द क्रेडिट साइड, कि कैश बुक का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, इसलिए डेबिट साइड ही कैश बुक की ऑलवेज आपको ग्रेटर मिलेगी देन क्रेडिट साइड। गॉट दिस पॉइंट स्टूडेंट। नाउ कम टू द जी, कैश बुक डज नॉट रिकॉर्ड द डैश ट्रांजेक्शन। अब कैश बुक है तो कौन से ट्रांजेक्शन वो नहीं नोट करेगी, क्रेडिट ट्रांजेक्शन, राइट। नाउ कम टू द एच, इन डबल कॉलम कैश बुक डैश ट्रांजेक्शन आर ऑल्सो रिकॉर्डेड। जो है इन डबल कॉलम कैश बुक डैश ट्रांजेक्शन आर ऑल्सो रिकॉर्डेड, मीन्स बैंक ट्रांजेक्शन, राइट। नाउ कम टू द आई, क्रेडिट बैलेंस शोन बाई बैंक कॉलम इन कैश बुक। कैश बुक का जो है, कैश बुक के जो ट्रांजेक्शन में आपको बैंक का जो क्रेडिट बैलेंस दिया होगा तो उसको हम बोलते हैं ओवरड्राफ्ट, राइट। शोन बाय द बैंक कॉलम इन कैश बुक क्रेडिट बैलेंस है तो ओवरड्राफ्ट। नाउ नेक्स्ट, द अमाउंट पेड टू द पार्टी, अमाउंट पेड टू द पेटी कैशियर एट द बिगनिंग ऑफ ए पीरियड इज नोन एज इम्प्रेस्ड अमाउंट, राइट। के
इन परचेज बुक गुड्स परचेज ऑन डैश आर रिकॉर्डेड क्रेडिट। सभी अच्छे से समझ आया ना कि बिल्कुल आपको कॉन्सेप्ट क्लियर था, तो आपको ये सारे जो अच्छे से हो गए होंगे। आई होप कि आप सबने इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्टेट, वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स बताने हैं आपने। जर्नल इज ए बुक ऑफ सेकेंडरी एंट्री, फॉल्स राइट। प्राइमरी एंट्री होती है राइट, ओरिजिनल एंट्री या प्राइमरी एंट्री बोलते हैं। सेकेंड, वन डेबिट अकाउंट एंड मोर देन वन क्रेडिट अकाउंट इन ए एंट्री इज कॉल्ड कंपाउंड एंट्री। दिस स्टेटमेंट इज राइट, ट्रू राइट। नाउ कम टू द सी, एसेट सोल्ड ऑन क्रेडिट आर एंटर इन सेल्स जर्नल, फॉल्स। कहाँ नोट होगी? जर्नल प्रॉपर में राइट। नाउ कम टू द डी, कैश एंड क्रेडिट परचेज आर एंटर इन परचेज जर्नल, कैश एंड क्रेडिट परचेज। तो ये तो फॉल्स है राइट, फॉल्स, क्योंकि क्रेडिट परचेज जो है आपकी वो जाएंगी परचेज जर्नल के अंदर, कैश नहीं जाएंगी, कैश जाएंगी कैश बुक के अंदर, उनको आप एंटर करोगे कैश बुक में। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है डी राइट स्टूडेंट, डी स्टेटमेंट फॉल्स। ई, कैश सेल्स आर एंटर इन सेल्स जर्नल, नो दिस इज ऑल्सो फॉल्स, ई भी फॉल्स। एफ, कैश बुक रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन रिलेटेड ओ रिसीप्ट एंड पेमेंट, यस राइट, क्योंकि कैश बुक में कैश रिसीप्ट आती है, कैश पेमेंट आती है, इन्हीं को हम रिकॉर्ड करते हैं। नाउ जी, लेजर इज ए सब्सिडरी बुक, कि लेजर जो है उसको जी पार्ट के अंदर क्या बोल रहा है, जी के अकॉर्डिंग कि लेजर इज ए सब्सिडरी बुक, यस लेजर इज ए फाइनल बुक, सब्सिडरी बुक। जर्नल को हम प्राइमरी बोलते हैं, ओरिजिनल बोलते हैं राइट, बट लेजर इज ए सब्सिडरी बुक या फाइनल बुक भी बोलते हैं। नाउ कम टू द एच, पेटी कैश बुक इज ए बुक हैविंग रिकॉर्ड ऑफ बिग पेमेंट, फॉल्स। कौन सी पेमेंट होती है? शॉर्ट पेमेंट के लिए राइट। नाउ कम टू द आई, कैश रिसीप्ट इज एंटर ऑन द डेबिट साइड ऑफ कैश बुक। जो भी रिसीप्ट होंगी वो डेबिट में नोट होती है, क्योंकि कैश बुक जो नेचर रियल को फॉलो करता है, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो आई हमारा जो पार्ट है वो क्या है? ट्रू। नेक्स्ट जे, ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड बोथ ऑन डेबिट और क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक नोन एज कॉन्ट्रा एंट्री, यस ट्रू। दोनों साइड पे जब नोट होती है ट्रांजेक्शन उसको कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं, जिसका इम्पैक्ट कैश पर भी हो और बैंक पर भी हो, फॉर एग्जाम्पल डिपॉजिट इन टू बैंक और विदड्रॉन फ्रॉम बैंक राइट स्टूडेंट। नाउ कम टू दी लास्ट, जो है क्रेडिट परचेज ऑफ मशीनरी इज एंटर इन परचेज जर्नल, फॉल्स, इट्स एंटर इन जर्नल प्रॉपर राइट स्टूडेंट। तो दीज आर दी टेस्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, वन और टू क्वेश्चन आर गिवन एंड जो अभी हमने सोल्व किए। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दी टेस्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट। इफ यू हैव एनी क्वेरी देन राइट इन दी कमेंट बॉक्स, लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर गेटिंग अपडेट्स। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।